एनियाक स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको काली माता का मेकअप करके दिखाने वाली हूँ और मेकअप में अपनी छोटी सिस्टर को करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी मूर्ति की। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोज़। और यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे और उससे पूरे हेयर को अच्छे से भिगो लेंगे हल्के हल्के। सो अब देखिए मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ वीडियो में हेयर को स्प्रे करके। और थोड़े थोड़े हम हेयर के पार्ट लेंगे और चोटी बना लेंगे फ्रेंड्स। सो आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह से चोटी को गुथूंगी। इस तरह से हमको इसको गुथना है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे छोटी। ये फ्री फायर खेलने में लगी हुई थी और हम लोग सब मेरी बहनें छोटी छोटी हम सब एक साथ मिलके इसकी चोटी बना रहे थे। सो अब बारी आती है कलरिंग की। अब फेस को कलर कर लेते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे करके हम पूरी बॉडी को कलर कर देंगे फ्रेंड्स। सो अब पूरी बॉडी कलर हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। अब बारी आती है फेस के मेकअप की। सबसे पहले हम लाइट ब्लू कलर लेंगे और उससे आंखों के ऊपर शेड कर देंगे। ऊपर हाईलाइट कर देंगे ग्रीन कलर की शाइनिंग वाले सिल्वर कलर से। अब वाइट कलर का काजल यूज किया है फ्रेंड्स आंखों को कलर करने के लिए। उसके बाद ब्लैक वाले काजल से नीचे एक लाइन बना देंगे और साइड से भी हल्की हल्की लाइन निकाल देंगे हम वाइट वाले काजल से। और नीचे हम आईलाइनर यूज़ कर देंगे जो हमने ब्लैक काजल यूज़ किया था उसके ऊपर। सो बहुत ही सिंपली आपको मेकअप करके दिखाया है फ्रेंड्स। अब आईलैशेस लगा देते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा देंगे। अब आईब्रो को कलर कर लेते हैं ब्लैक कलर की हेल्प से। अब दूसरे साइड के आईब्रो भी कलर कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो बचा हुआ पार्ट बचा हुआ है ऊपर से सिर का उस पर रेड कलर यूज करके अच्छे से कवर कर देंगे पूरे हेड को। नोज के ऊपर एक लाइन बना देंगे रेड कलर से और आईब्रो के नीचे से भी एक लाइन बना देंगे रेड कलर से। अब आईलाइनर यूज़ कर देते हैं फ्रेंड्स आंखों के ऊपर ताकि आंखें थोड़ी बड़ी दिखें। अब थर्ड आई बनाने के लिए हम वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले बीच में और आइट साइड से हम ब्लैक कलर से थर्ड आई को ओपन करेंगे। अब वाइट कलर की हेल्प से और पतले से ब्रश की हेल्प से डिजाइन बना लेंगे आईब्रो के ऊपर। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंड्स। अब जो नीचे जो हमने कलर यूज़ किया था आंखों के वो हल्का सा ब्लैक हो गया है उसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया है हमने फिर से रेड कलर करके। और अब
एक साड़ी की तरह एक हमने लिया है कपड़ा, उसको साड़ी की तरह रख दिया है और अब ज्वेलरी वगैरह पहना देते हैं फ्रेंड्स। अब फटाफट से सारी ज्वेलरी को हम पहना देते हैं फ्रेंड्स। मांग में सिंदूर टाइप का हम दे देंगे ऊपर सूखा हुआ सिंदूर और नथ पहना देते हैं। एक एक करके सारे ज्वेलरीज हमने पहना दिए फ्रेंड्स। सो फाइनल लुक बनकर रेडी है। यदि आपको मेरी ये काली माता की मेकअप की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो काली माता बनी है और साइड में जो है वो भी मेरी कज़न सिस्टर है जो राक्षस का रोल निभाया है। सो आपको यदि पसंद आया हो मेरा ये मेकअप तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।